हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मंडी रिएक्शन। आज पर कॉमेडी आपके साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करेंगे वो है मैंगलोर सिटी प्राइड ऑफ कर्नाटका। ऑलराइट, आज हम मैंगलोर सिटी देखेंगे। मैंगलोर सिटी हमने पहले बैंगलोर का नाम तो सुना है, मैंगलोर कर्नाटका में कोई सिटी है। कर्नाटका को हमने ओवरऑल देखा है लेकिन उसके अंदर मैंगलोर नहीं देखा, कोई सिटी नहीं देखा। तो आज हम काफी टाइम के बाद कुछ नया सिटी, हाँ, जियोग्राफिकल लोकेशन कोई नई देखेंगे, वरना मोस्टली हम जो चीज देखते हैं वो पहले हमने कहीं ना कहीं देखी होती है। सो लेट्स सी, आज कुछ नया देखेंगे एंड वी होप के कुछ ज्यादा एक्साइटिंग किस्म का कॉन्टेंट होगा। और वीडियो से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो है व्लॉगिंग चैनल, उस पर नया व्लॉग अपलोड्स वगैरह, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अपलोड किया भाई, इस वीडियो के एंड पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, इस जगह पे आएगा यहाँ कहीं और इस डिस्क्रिप्शन में। सो लेट्स सी, इधर अब इधर ही गई, इधर ही आएगा। ठीक है, लेट्स सी। Remember when we couldn't stay apart, holding hands and making love out in your car. Never thought that it would end, but I was young and didn't understand my heart. Spoke a tongue I never heard of, you were warm by all those words I couldn't say. It was love, I never had to tell you. Up above, they're singing for the times we had. Memories haunt below. सबसे पहले तो I would like to appreciate this person जिन्होंने वीडियो बनाई, इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कि इन्होंने विजुअल सारे इकट्ठे करने के बाद जो बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया वो बहुत मजे का था, देखने में मजा आया। हाँ, वो एक बड़ा अच्छा बंदे का इंटरेस्ट डेवलप हुआ रहता है। दूसरी, ये जगह हमने पहले क्यों नहीं देखी, पहले लिंक नहीं आया। It looks good और बीचेस बहुत प्यारी लगी, एक दो विजुअल्स बहुत प्यारे आए थे बीचेस की, और इतनी प्यारी बीचेस हमने पहले क्यों नहीं देखी। यार जिस चीज से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ ना, वो ग्रीनरी जिस तरह से मेंटेन रखी गई है। हाई राइज बिल्डिंग्स तो हैं लेकिन उन्होंने ग्रीनरी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। एग्जैक्टली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारी लग रही थी, और इसकी बड़ी अशद जरूरत भी है, क्योंकि अगर एक बैलेंस मेंटेन नहीं रखेंगे नेचर के साथ तो फिर वही सिचुएशन होती है जो दिल्ली में होती है या लाहौर में होती है सर्दियों में। ठीक है, जो हेल्थ जो इफेक्ट होती है, मतलब अल्टीमेटली सफर इंसानों ने, हमने खुद ही करना है, तो इसलिए बेहतर है कि उसका बंदोबस्त पहले कर लिया जाए, नेचर को थोड़ी रिस्पेक्ट दी जाए। तो ये बड़ी अच्छी बात लगी कि पूरे सिटी का जब विजुअल लिया जाता है तो ग्रीनरी नजर आती है, फुल थिक ग्रीनरी, ऊपर सारी वो
बिल्डिंग हाई रेंज, और जैसे कुछ विजुअल में दिखाया है कि डेवलपमेंट इज टू गुड रेजिडेंट्स के लिए, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है। अक्सर हमने देखा है जहाँ पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो ना वहाँ पर ये चीजों पर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। Exactly. लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा बैलेंस लेकर चले हैं, मोस्ट इंप्रेसिव यार। और दूसरा एक और बात, क्योंकि ये पोर्ट सिटी है तो पोर्ट की वजह से एक अच्छी खासी इकोनॉमिक भी एक्टिविटीज भी चलती होंगी, जिसकी वजह से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, तो आई थिंक जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफी ज्यादा होंगी उसकी वजह से। बिल्कुल, क्योंकि पोर्ट सिटीज जो होते हैं वो अक्सर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स की बेस पर जो कंपनीज चल रही होती हैं, जो इंडस्ट्रीज चल रही होती हैं, वो वहाँ पे ऐसी जगहों के करीब कोशिश करती हैं कि वो अपने ऑफिस या अपने सेटअप्स लगाएं, तो उससे एक इकोनॉमिक बेनिफिट भी हो जाता है। बाकी इन्वायरमेंटली के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो ग्रीनरी और वो एक बैलेंस मेंटेन वो बहुत अच्छा नजर आया। ये बहुत प्यारा सिटी लगा हर एंगल से, ये बहुत बेस्ट था। तो मेरे ख्याल से मुझे बीचेस बहुत पसंद है यार, ओवरऑल मुझे बीचेस बड़ी अच्छी लगी, मुझे व्यूज आ रहे थे बीचेस के, दैट वाज रियली गुड। और बीच के ऊपर प्लस ये जो इतनी सारी थिक किस्म की ग्रीनरी नजर आ रही थी, ये हर बीच पे आपको नहीं मिलती, ठीक है। अक्सर जगह पे जैसे मुंबई की बीच है उसमें भी अगर देखा जाए तो बीच है और फिर उसके आगे रोड आ जाती है और फिर आबादी स्टार्ट हो जाती है, फिर आगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर ये वो, ये जरा डिफरेंट थी। और ये हमें अक्सर जगह पे नजर आता है, जो भी फेमस बीचेस है ना उन पे हम यही चीज नजर आती है, बीच प्लस ग्रीनरी हमें आइलैंड्स पे मिलती है या बहुत कम बीचेस हैं जहाँ पे मिलती है। ये चीज, ये कंबाइंड चीजें मुझे इसमें नजर आई जिसकी वजह से ये मुझे बहुत अच्छी लगी। सो आप लोगों में से अगर कोई ऐसा है जिसने ये सारा कुछ एक्सपीरियंस किया है, ये विजिट किया है इन बीचेस पे, होप करना कोई होगा तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, मैं काफी इंटरेस्टेड हूँ इसमें। ओके, तो वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी, लाइक करें इसको और शेयर करें, और आप हमें इस तरह की मजीद सजेशन भेज सकते हैं इंस्टाग्राम पर। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन खुदा हाफिज़।